Welcome to Curries of India. Whenever we think of curries, it conjures up images of a small simmering dish cooked for long. But jab pachi pulusi ki baat aati hai, ye uncooked curry can be prepared in minutes. Taking my cue from here, I decided to make something that reminds me of the same aur jo jaldi jhatpat ban jaye, kanji vada. Kanji vada banane ke liye hum sabse pehle kanji banayenge. Jo kanji hai wo pani ke andar banti hai. उसे पकाया नहीं जाता. जो ग्राउंड मस्टर्ड सीड्स होते हैं उसे डालते हैं, वो फर्मेंट होते हैं और उसके अंदर एक खटास देते हैं. बड़ा हम लोग बनाएंगे मूंग दाल के साथ. इसे कवर करके इसे करीबन 3 दिन तक हमें बाहर रखना है. यू डोंट हैव टू कीप इनसाइड अ फ्रिज. अगर सर्दियां हैं तो आप धूप में रख सकते हैं इसे, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है आप घर पर रूम टेम्परेचर पर इसे फर्मेंट होने रख सकते हैं. नाउ जैसे जैसे फर्मेंट होगा ये खट्टा होना शुरू होगा. कभी कभार टेम्परेचर इतना कंड्यूसिव होता है कि फर्मेंटेशन थोड़ी जल्दी होती है. सो 2 डेज कुड बी इनफ, या कभी कभार 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं. ये रही कांजी जो मैंने 3 दिन पहले फर्मेंट करने रखी थी. दिस अ नाइस खट्टा अरोमा. अब हम तैयार करेंगे इसका वड़ा. सो ये है ऑयल. वड़ा यू कैन मेक विद अ वैरायटी ऑफ दाल्स, बट जो मैंने सीखा है, जो मैंने खाया है, वो बनता है मूंग दाल का. And gently mix it. कांजी के भी अलग अलग वर्जन्स हैं. जैसे काली गाजर की बनती है जो स्पेसिफिकली विंटर में बनती है. सेम रेसिपी, जस्ट इसके अंदर काली गाजर जाती है और 3-4 दिन बाद जब पूरा पानी फर्मेंट हो जाता है जो कैरेट है उसके अंदर भी एक खट्टा कैरेक्टर आ जाता है. एंड इट्स जस्ट लाइक अ पिकल. इसमें हम पोर करेंगे कांजी.